नंबर देखिए, इसका भी फैक्टर करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 कर देंगे, गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर जोड़ दो और 4 का स्क्वायर घटा दो ताकि ये फॉर्मूले पे सेट हो जाए। यह हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का 16 और प्लस का 7, तो 9 आ जाएगा माइनस का, यानी कि 3 का स्क्वायर। चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन अब हमें करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 dx। तो इसके जगह पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही ना लग रहा है यहाँ पे, चलिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई 2, यानी कि एक्स माइनस 4 बाई 2 रूट अंडर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर बाई 2 यही ना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग 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 एक्स, यानी कि एक्स माइनस 4 और प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपका होगा एक्स माइनस 4 बाई 2 रूट अंडर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 7, ठीक है माइनस का 9/2, ये 9/2 लॉग एक्स माइनस 4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, चलिए अगला।